पटाखा नहीं है, माचिस है, सिंथेटिक कपड़े होते हैं, घरों में आ गई है। दुखद और हृदय विदारक घटना हमारी लोकप्रिय सांसद इलाहाबाद की श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी की पोती का आज जो दुखद समाचार प्राप्त हुआ है, इतनी अबोध बच्ची और अचानक आग, बच्चे कुछ खेल रहे होंगे उससे जैसा बताए मुझे, उसके कारण से जल गई और उसका इलाज चल रहा था। रात में कल मेरी बात हो रही थी कि दिल्ली शिफ्ट करना है, बातचीत हो गई थी, लेकिन यह दुखद समाचार कोई प्राप्त होगा ऐसी संभावना नहीं थी। मैं पूरे परिवार के लिए सांत्वना प्रकट करने के लिए आया था और इस प्रकार की घटनाएं बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली होती हैं। सबसे यही अपील करेंगे कि घर में जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उससे बचाव की दृष्टि से जो आवश्यक कदम है सब लोग उठाएँ। यह घटना बहुत ही दुख देने वाली है और लोग थोड़ा सजग रहेंगे तो कहीं किसी भी परिवार में इस प्रकार का दुख नहीं आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मैं अपनी बहुत छोटी या बहुत प्यारी सी बच्ची उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्या कहना चाहते हैं, कितनी दुखद घटना है और परिवार के साथ पूरा प्रयागराज है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं इस दुखद घटना को लेकर? देखिए, बहुत ही दुखद कल अचानक ये हादसा हुआ। इसमें दीदी सहित जो भी दीदी के शुभचिंतक हैं, जिस तरह से जो भी सक्षम है उसने हर तरह से प्रयास किया। मैं भी सिविल एविएशन मिनिस्टर हूँ, दीदी का जैसे ही फ़ोन आया मैंने तमाम जगह प्रयास किए, और चूंकि नाइट लैंडिंग नहीं है और उस वजह से ये नहीं संभव हो पाया कि रात को हम शिफ्ट कर पाएँ। फिर भी एक दो ऑपरेटर से बात हुई थी, दो ऑपरेटर से, उन लोगों ने कहा हम मैनेज करते हैं, पर अच्छा मंत्रालय सभी जगह करते हुए, लेकिन ये हुआ कि सुबह लेके शिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी फूल सा चेहरा आप देख लीजिए तो मतलब लगती नहीं कि कोई घटना घटी है, ऐसे एकदम पिटिया। बस यही कह सकते हैं कि इस दुख की घड़ी में पूरा प्रयागराज दीदी के साथ है। अब होनी को नहीं टाल सकता कोई, लेकिन मैं, उनकी वाइफ और दीदी की व्यथा को देख करके हम सभी बहुत व्यथित हैं इस दुख की घड़ी में। बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहन करने की मैं को, उनकी पत्नी को, दीदी को, सबको ऐसी शक्ति दे कि इसको सहन करें। ठीक है।